लोगों ने यहाँ कल काटे थे, मस्त सूख गए थे, मतलब कल के टाइम में क्योंकि काफ़ी तगड़ी धूप आई थी कल, तो ये लोग अभी सुबह से चूटने लग गए हैं। अभी टाइम भी 9 बज रहा है, 9 से फिर शाम तक चूटेंगे, मतलब जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाते। इसको रखने से घर में भूत प्रेत नहीं आते कहते हैं, तो पता नहीं सही बात है नहीं, तो भी हम निकलते हैं यहाँ से भी। ओ अभी हम लोग ज़्यादा डाल पहुँच रहे हैं और यहाँ तो अभी तगड़े एक्सीडेंट हो रहे हैं। आगे आप देख सकते हैं गाड़ी को टूर के लिए जा रहे हैं। स्वागत है आप सभी का एक और नई सुबह के साथ। तो आज का मौसम भी कुछ ऐसा ही हो रखा है, कल भी पूरी सुबह से लेके शाम तक बारिश ही बारिश हो रही थी, मौसम काफ़ी ख़तरनाक हो रखा था। कल भी कहीं निकल नहीं पाए घर से बाहर क्योंकि काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। आज का मौसम भी ऐसा ही है। आज पेपर वगैरह भी था मेरा साइंस का, वो भी नहीं हो पाया, वो भी कैंसिल हो गया क्योंकि उत्तराखंड में हाई अलर्ट बता रखा है, आप लोगों को पता होगा अभी 20 तारीख तक का बता रखा है, तो 20 तारीख के बाद ही होंगे पेपर। और अभी भी आप मेरे पीछे का पूरा मौसम देख सकते हैं, पीछे आप लोगों को कुछ नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ कोहरा ही कोहरा है पूरे चारों ओर। इधर साइड थोड़ा खुला है, इधर साइड को तो पूरा कोहरा लगा हुआ है, पूरा मौसम एकदम डेंजर हो रहा है। तो सामने का मौसम आप लोग देख ही सकते हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा सामने, मतलब घर वगैरह दिख ही नहीं रहे हैं, ये कोहरा देख सकते हैं आप इधर से उधर को जाने में बार बार। और इधर देख सकते हैं ऊपर से सूरज भी आने की कोशिश कर रहा है लेकिन आ नहीं पा रहा है, घेर रखा है इसको भी पूरा मौसम, कल की तरह ही और क्या काफ़ी ख़तरनाक। और आज देखते हैं आज भी मतलब कल की तरह ही होता है, पूरी बारिश सुबह से लेकर शाम तक, या थोड़ा अलग होता है। अभी सुबह तक तो पूरी बारिश ही हो रही थी, अभी रुक रखी है थोड़ी देर पहले, अब देखते हैं क्या होता है आगे का सीन। अभी देख सकते हैं पूरा कोहरा वगैरह हट चुका है ठीक सामने पहाड़ों के पीछे। अभी तक मौसम वगैरह खुल रहा थोड़ा बहुत, अभी भी खुला ही है थोड़ा हल्का हल्का, इधर साइड भी खुल जाता तो सही हो जाता, इधर साइड तो अभी भी वैसा ही हो रखा है ख़राब पूरा। मौसम खुल जाता तो फिर धूप वगैरह भी आ जाती, और एक तो ठंडा भी काफ़ी हो रहा है, काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही है इधर साइड तो, और मौसम खुल जाता तो मतलब धूप वगैरह आती, फिर एक तो अभी चेंज भी हो रहा है मौसम, ऐसे मौसम में फिर तबीयत ख़राब होने का भी डर रहता है। अभी नाव वगैरह भी लिया है और कल से मौसम मतलब एकदम तगड़ा हो गया है, धूप वगैरह आ रही है मतलब तगड़े तरीके से, मौसम अभी ठीक होने लग गया है और देख सकते हैं ऊपर मौसम भी एकदम तगड़े तरीके से खुला है। तो अभी धूप वगैरह आ रही है, मौसम ठीक हो रहा है, तो यहाँ गांव में धान वगैरह काटना भी शुरू कर दिया है। अभी काटने के बाद थोड़े लोग मतलब धान जुटाई भी करने लग गए हैं, अभी भी मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। तो नीचे खेत में देख सकते हैं वो धान को मतलब एक के ऊपर एक रख रखे हैं, इन लोगों ने मतलब पहले ही काट वगैरह दिए होंगे क्योंकि हो गए होंगे ना, तो इन लोगों ने सुखाने के लिए रखे होंगे यहाँ खेत में, तो बारिश वगैरह आ रही थी तो इन लोगों ने फिर एक के ऊपर एक रख दिए थे ताकि उससे ज़्यादा भीगे ना करके। तो अभी इन लोगों ने मतलब थोड़ा अभी सुखाने के लिए भी रखेंगे, अभी थोड़ा फैलाएंगे इनको ताकि अच्छे से हो जाए, फिर इनको भी चूटेंगे। अभी यहाँ इधर साइड भी दा लोगों ने काटना शुरू कर दिया, यहीं ऊपर रहते हो दा भी, अभी दिखाता हूँ मैं।
तो देख सकते हैं इधर इन लोगों ने यहाँ कल काटे थे, मस्त सूख गए थे मतलब कल के टाइम में, क्योंकि काफ़ी तगड़ी धूप आई थी कल। तो ये लोग अभी सुबह से चूटने लग गए हैं, अभी टाइम भी 9 बज रहा है, 9 से फिर शाम तक चूटेंगे मतलब जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाते। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 और अभी खेतों में भी काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं, काफ़ी लोग अपने धान वगैरह काट रहे हैं और काफ़ी सारे लोग धान वगैरह भी चूट रहे हैं। इधर गांव में ऐसा ही होता है, ज़्यादातर लोग मतलब खेत में मतलब जब धान वगैरह काट लेते हैं तो यहीं खेत में ही चूटते हैं धान वगैरह, फिर जो अनाज निकलता है यहाँ से अपने घर में ले जाते हैं। लेकिन हमारे गाँव साइड थोड़ा अलग होता है, जैसे हम लोगों ने धान वगैरह काटे तो हम वहाँ से उनको घर लेके आते हैं काटने के बाद, फिर घर में थोड़ी देर सुखाएंगे, थोड़ी देर खेत में भी सुखाते हैं, फिर वहाँ से घर में चूटते हम लोग, ऐसा होता है हमारे गांव साइड। और इधर साइड मतलब खेतों में चूटा जाता है। तो देख सकते हैं आप लोग अभी खेत में लोग आ रखे हैं मतलब धान वगैरह काटने के लिए, लगभग काट ही दिए इन्हें तो सारे अपने, थोड़ा बच्चा लास्ट का एंड का, इधर पर भी आ रखे हैं थोड़े लोग। और फिर इधर साइड मतलब धान वगैरह चूट रहे हैं जिनने अपने मतलब धान वगैरह काट लिया, सूख वूख गए अच्छे से, इधर साइड काट रहे लोग। तो अभी हम लोग ज़्यादा देवल पहुँच रखे हैं और यहाँ काफ़ी तगड़ा एक्सीडेंट हो रखा है, आगे आप देख सकते हैं गाड़ी को टू करके ले जा रहे हैं, आगे का हिस्सा का ही ख़तरनाक तरीके से पीछा करा गया उसका, मतलब तगड़ाई वाला हो रखा है। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर जा रहे आगे का दिख नहीं रहे यहाँ पीछे से अच्छे से, मतलब इधर लेफ्ट साइड का पूरा ही पीछा करा गया है तगड़ी तरीके से। तो आज हम लोग आए थे दीदी के घर में, यहाँ देख सकते हैं इन लोगों ने मड़वा वड़वा भी काट दिया है, हो चुका है मड़वे काट के रख दिया है। और अभी हम भी निकल रहे हैं वापस घर की ओर, और यहाँ पर ये मिट्टू मियाँ भी है, सम तो देख ही सकते हैं काफ़ी मस्त हो रखा है। और हाँ यहाँ पर देख सकते हैं ये सांप की कैसोली भी लटका रखी है, इसको रखने से घर में भूत प्रेत नहीं आते है कहते हैं, अब पता नहीं सही बात है नहीं। तो अभी हम निकलते हैं यहाँ से भी। तो अभी बज चुके हैं शाम के 5 और जो लोग सुबह खेत में काम वगैरह मतलब धान वगैरह काटने के लिए आए थे वो लोग भी घर जा चुके हैं, अभी जो लोग धान काट रहे थे वो भी चले गए और जो लोग धान वगैरह चूट रहे थे वो भी जा चुके हैं अपना अपना काम ख़त्म करने के बाद। और अभी हल्के हल्के मौसम वगैरह भी ख़राब हो रहे हैं, तो जो लोग खेत में आए थे मतलब धान वगैरह काटने के लिए, वो काटने के बाद उन लोगों ने धान के टीले बना दिए मतलब छोटा पहाड़ जैसा, जिससे मतलब बारिश वगैरह आए तो वो भीगे ना करके। तो ये नीचे देख सकते हैं यहाँ सामने में धान का टीला बना रखा है, और नीचे भी बना रखा है एक दो जगह पर, यहाँ पर बारिश आए तो भीगे ना करके, क्योंकि मौसम भी अभी हल्के हल्के ख़राब होने लग चुके हैं आगे साइड से, इस वजह से अभी इनको ढकेंगे भी शायद घर से तिरपाल वगैरह ला के। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही, आई होप आप लोगों को मेरा ये वाला ब्लॉग भी पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं आप लोगों से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय देव भूमि उत्तराखंड, बाय।